हेलो गाइस, वेलकम टू खिलौना बाजार बिजनौर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जस्टिस हीरो, हीरो यूनिक सीरीज़, जस्टिस हीरो सुपर फाइटर, एवेंजर्स। हाँ जी दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एवेंजर्स की। और एवेंजर्स वीडियो आप हमारे चैनल में पहले भी देख चुके हैं, पर ये जो आज वाले एवेंजर्स होने वाले हैं, पहले वाले एवेंजर्स से अलग होने वाले हैं। किस तरह से होने वाले हैं वीडियो में आप लास्ट तक देखें जब आपको पता चलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, जितना ज़्यादा हो सके गाइस इसको शेयर करें, और जो नए हैं इस पर सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। अब मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से पहले वाले एवेंजर्स से अलग होने वाले हैं गाइस। सो स्टे कनेक्टेड। ये बाहर आ गए हैं गाइस, तो आपको मैं क्वालिटी दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरह से अच्छे होने वाले हैं। ये देखिए आप, एक एक एवेंजर की अलग अलग क्वालिटी है और सबकी अलग अलग पावर है, मतलब असलियत में। वैसे ये जो हैं टॉयज़ ही हैं बच्चों के, और रेट वाइज बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। अब मैं इनको बाहर निकालूंगा, एक एक को, सबको एक साथ बाहर निकालूंगा। पहले मैं आपको इनको खड़ा करके दिखाऊंगा विद स्टैंड, जिस मतलब जिस प्लास्टिक में ये हैं, और प्लास्टिक ही मटेरियल है गाइस, पॉलीकार्बोनेट हमारे मटेरियल होता है जिसके बैग आते हैं, सूटकेस। ये देखिए गाइस, खड़े हो गए हैं, ये खड़े हो चुके हैं गाइस ये। और ये खड़े होकर भी देखिए कितने स्टैंडर्ड अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। ये दूर करा मैंने इनसे, इनको थोड़ा सा विजन अच्छा है जिससे। और हल्क पहला सबसे नंबर का थॉर है, उसके बाद आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका और बैटमैन। बैटमैन गाइस इन सबसे अलग है क्योंकि वो एमसीक्यू कैरेक्टर है, है वो मार्वल का ही, पर एमसीक्यू अलग सीरीज़ है और एवेंजर्स अलग सीरीज़ है। लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं ये, देखिए गाइस हमने बाहर निकाल लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक की क्वालिटी अलग है। और ये उन वाले एवेंजर्स से अलग कैसे होंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहें तो आपको पता चलेगा। आप वीडियो को देखें आराम से, बिल्कुल लास्ट तक अपने बच्चों को दिखाएं। जो आप देखें ये हल्के हैं हमारे, और ये देखिए कितनी मजबूत क्वालिटी है, और ये कांच पे भी आराम से खड़ा है। ये हाथ है इसका, हाथ ऊपर करेंगे ये, और हाथ ऊपर नीचे, जैसा भी आप करना चाहें, मूवेबल है पूरा टोटल। ये देखिए गाइस, अच्छी तरह मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और इसमें एक और फंक्शन है, इसमें पीछे एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पर इसे आप दबाएंगे तो लाइट जलेगी इसमें। ये वो फंक्शन है जो गाइस पिछले वाले एवेंजर्स में नहीं था। ये लेज़र लाइट होने वाली है, और लाइट बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ये आपको कैमरे में पता चल रही होगी, ये मैंने दूर रख दिया है। अब मैं इसी तरह से कैप्टन अमेरिका को उठाऊँगा। कैप्टन अमेरिका को हम उठाएँगे गाइस, कैप्टन अमेरिका, उसके बाद हम आयरन मैन उठाते हैं, आयरन मैन में लाइट चेक करते हैं, और उसके बाद अब हम कैप्टन अमेरिका की बारी आ गई। कैप्टन अमेरिका हमारे, लाइट चेक कीजिए आप, ये देखिए गाइस बहुत प्यारी लाइट होने वाली है, लेकिन बिना शील्ड के ये बेकार हैं। ये रही इनकी शील्ड। अब इस शील्ड को मैं इनके लेफ्ट हैंड में लगा दूंगा, इसके इसके हमने लेफ्ट हैंड में लगा दिया है गाइस, तो ये शील्ड भी बहुत सॉलिड है। राइट हैंड में भी हम इसको लगा सकते थे, पर मुझे लेफ्ट हैंड में लगाना पसंद है क्योंकि लेफ्ट हैंड में ही पकड़ते हैं अपनी शील्ड जो है। अब हम इसको रख के आपको दिखाते हैं, साइड व्यू भी दिखाते हैं इसका गाइस। ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, बहुत ही प्यारा, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी होने वाली है। कैप्टन अमेरिका है इनका नाम, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी होने वाली है ये लाइट, मतलब आपका बच्चा इससे बहुत खुश होने वाला है गाइस। तो अपने बच्चे के लिए आपको गिफ्ट करना है, अरे गिर गया वो, ये बैटमैन गिर गया है गाइस। पहले हम अपने कैप्टन अमेरिका को उठाते हैं, फिर हमने बैटमैन उठाया अपना। ये इसका कपड़ा देखिए गाइस, जो इसका पीछे ओढ़ने के लिए कपड़ा है, ये हैवी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लगा हुआ है इसमें। ये देखिए इसमें भी लाइट है, जैसे ही आप इसके बटन को दबाएंगे तुरंत इसमें लेज़र लाइट निकलेगी, और जो बहुत ही आकर्षित बनाती है इसको, बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। अब हम इसको नीचे रखेंगे, ये गिर गया है दोबारा से, दोबारा हमने खड़ा किया इसे, और क्वालिटी आप देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आयरन मैन है। आयरन मैन में अब हम बटन दबाएंगे इसमें, यहाँ पे जैसे ही दबाएंगे हम, इसमें लाइट जलेगी। पीछे इसकी तरफ बटन है, इसको ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा, पूरे करेक्टर में लाइट जलेगी। ऐसा ही पूरे करेक्टर में लाइट जलती है गाइस, जैसे ही आप इसको दबाएंगे। इसको दबाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, शायद प्लास्टिक अटक रही है। बहुत अच्छी क्वालिटी होने वाली है गाइस। ये थॉर गिर गया है, अब थॉर बिना हथौड़े के बेकार है। थॉर को हम दिखाते हैं, इसका हथौड़ा लगाया है हमने आगे, इसमें ये हथौड़ा आगे फिट हो जाता है, इसके हाथ में हथौड़ा फिट करके, और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे कैप्टन अमेरिका को हम सीधा करेंगे, ये थॉर है, इसमें लाइट जल रही है और बहुत प्यारी लाइट होने वाली है इन सब में। पहले वाले जो गाइस एवेंजर्स थे, ये देखिए गाइस इसमें हथौड़ा लग गया है। पहले वाले जो एवेंजर्स मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में,
उनमें लाइट का कोई सिस्टम नहीं था, ये चीज़ इनको उनसे यूनिक बनाती है और अट्रैक्टिव बनाती है। और बहुत ही रियलिस्टिक करेक्टर हैं, जैसे करेक्टरों ने उसमें प्ले किया है वैसे ही आपको ये करेक्टर मिलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें गाइस, बहुत ही अच्छी वीडियो है, और अच्छी है नहीं वो तो आप बताएंगे कैसी है ये, लेकिन प्लीज़ गाइस इसको शेयर करें। जस्टिस हीरो ये इसका बैग है, ये इसका हम पीछे रख देते हैं। अब जैसे हमने इसे पीछे रखा, थोड़ा सा अच्छा आप सपोर्ट कर देंगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा चैनल जो है वो जल्दी मोनेटाइज होगा। आप जितना हो सके गाइस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।